कुडची येथे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठ ज्ञानयोग भवनाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला आहे. या लोकार्पण सोहळ्या दरम्यान 87वी शिवजयंती देखील साजरी करण्यात आली आहे. सुरुवातीला आश्रमातून शहरातील प्रमुख रस्त्यावरून फिरून सर्वधर्म संदेश देणारी यात्रा काढण्यात आली आहे. त्यानंतर हुक्केरी येथील चंद्रशेखर शिवाचार्य यांच्या हस्ते रिबन कापून ज्ञानयोग भवनाचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. या दरम्यान संयोजक के गीता बहन यांनी आपले विचार मांडले आहेत. दिखाई पड़ा झंडा लहराता हुआ दिखाई पड़ा तो मन में संकल्प आया क्यों ना एक बार लास्ट ट्राई कर लूं. कितने हमारे सामने ऐसे केसेस हैं कि उन्होंने दरवाजा खुलवाया, मेडिटेशन रूम में बैठे और जो पॉइजन की बोतल हाथ में ले रहे थे खाने के लिए, उन्होंने 10 ही मिनट में वो बोतल डस्टबिन में फेंक दी. पावरफुल वाइब्रेशन इन स्थानों के प्राप्त होते हैं, इनकी बहुत जरूरत है. गली गली में खुलने चाहिए, खूब खुलने चाहिए, क्योंकि दुख अशांति टेंशन समस्याएं डिप्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं. जैसे शारीरिक रोग ठीक करने के लिए गली गली में डॉक्टर बैठे हैं, ऐसे मानसिक रोग ठीक करने के लिए गली गली में ये सेवा केंद्र होने चाहिए. दर्द का इलाज संभव है, परंतु दुख अगर है तो उसे अध्यात्मिकता की शरण में जाना ही पड़ेगा. उस धारा पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं. यावेळी कार्यक्रमाला आमदारांच्या धर्मपत्नी श्वेता राजीव, डॉक्टर अभिनव ब्रह्मानंद स्वामी, मोटकी मठाचे प्रभू चन्नबसव स्वामी, इनामदार बाबा, निवृत्त न्यायाधीश पाच्छापूर बी के विद्यासह अन्य उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, कॅनन सिटी न्यूज, रायबाग.